हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। तो मैं बना रही हूँ आज छोले कुलचे। कुलचे तो मैंने बाहर से लिए हैं, लेकिन छोले बना रही हूँ अभी। मैं कृष्णा के बना रही हूँ बिना प्याज के, तो बच्चे तो नहीं खाएंगे प्याज के बगैर। तो पहले मैं कृष्णा के बनाती हूँ और उसके बाद मैं अपने दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। चलिए एक बार दिखा देती हूँ। मैंने मटरा उबाल लिया है, तो देखिए, और इसमें एक आलू मैंने डाला है। आलू आपकी चॉइस है, और देख इतना ही पानी रखना है इसमें जितना हमें इसे पतला रखना है। और ये मैंने टमाटर की ग्रेवी बना ली है कद्दूकस में देख करके। और ये ऑनियन, और ये मेरे कृष्णा कन्हैया के हैं, ये हैं बगैर प्याज के, तो मैं तवे पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पैकेट है 40 रुपीज़ का, इसमें 12 पीस है। वही जो कुलचे वाले रखते हैं वही हैं ये। तो मैंने मक्खन में या देसी घी में फ्राई करूँगी, फ्राई मतलब इसको अच्छे से, मतलब जैसे वो लोग सेकते हैं तवे पे वैसे ही सेकूँगी। बस अब मैं इनको तवे पे करती हूँ। चलो मैं इसको रख लेती हूँ कैमरे। मैं बना रही हूँ अपने, तो उसके लिए पहले मुझे डालना होगा, मैं डाल रही हूँ मक्खन। मक्खन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, मेरे पास मक्खन कम है तो थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें। देसी घी, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया मसाला। इसमें डाला काली मिर्च, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, और हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। हरा धनिया भी जरूरी था, इस वक्त नहीं है, अचानक प्लानिंग होगी रात में कि छोले बनाएंगे। मैं धनिया लेके आती, और एक ये है इमली, जो इमली का पल्प था वो मैंने निकाल लिया, इसमें जो रह जाता है ना वो मैंने इसको पीस लिया है वेस्ट क्यों करूँ। अब ये प्याज, चलिए देखिए प्याज इसमें डालूँगी। ये मैंने माखन में प्याज भून ली हूँ, बस प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना हमें, तो बस प्याज हमें ज़्यादा नहीं भूननी है, हल्का हल्का बस 2 मिनट ही भूनना है। और उसके बाद डालना है ये टमाटो। ये टमाटर मैंने डाल दिए इसमें, अब इसको अच्छे से भुनने देंगे, उसके बाद डालेंगे हम मसाला। तो देखिए कुछ ज़्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग बाहर से खाते हैं, बरसात का टाइम है मतलब। तो देखिए मैं पहले ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें थोड़ा नमक उबालते समय भी डाला था, तो थोड़ा ही डालूंगी, कम लगेगा किसी को तो वो डाल लेगा। हम डाल देंगे लाल मिर्च, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं कम ही डालूंगी क्योंकि इसमें काली मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है। अब पक चुका है टमाटर और प्याज, अब मैं मसाला डालूंगी। ये सारा इसको धोकर मैं इसमें डाल देती हूँ। पानी जो इसका पल्प था वो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और अब देखिए इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। इसको चला के ये देखिए अच्छे से हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं मिलाना, बस ये मिक्सी में थोड़ा सा धो के मैं इसमें डाल देती हूँ बस। और बाकी आपकी मर्जी है आपको कितना पतला रखना, बस इससे ज़्यादा क्या पतला रखोगे क्योंकि इसमें पानी है। मैं इसमें खीरा भी डालूंगी, तो आपकी मर्जी है, आप खीरा डालना चाहे खीरा, केला, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो मैं यूपी स्टाइल में बनाऊंगी क्योंकि मैं वहीं को भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए, मुझे तो वही पसंद है, केला, आलू और
कीड़ा डाल के खाना, और मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। चलिए उबाल आ गया, फिर इसमें आ गया उबाल, तो हम इसमें डाल देते हैं। छोले भी एकदम से रेडी हूँ मैं, हरा पानी। तो चलिए बस जल्दी से मैं लाती हूँ नॉन स्टिक तवा और उसमें बनाती हूँ, फिर खाते हैं। मैंने छोले उतार दिए, बस 5 मिनट पकाने हैं, ज़्यादा नहीं। और मेरे बच्चे हो रहे बहुत बेचैन, एक्साइटमेंट हो रही है इतनी ज़्यादा, जल्दी खाने की बेचैनी। अब वो सोच रहे हैं लंच नाश्ता डिनर सब में यही खाएंगे आ रही है। डालते हैं हम देसी घी, अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से, टूट भी गया है। उनको भी जल्दी है सीखने की। देखिए मैंने घी लगा के इस पे ये डाल दिया है, सीख रहे हैं। उधर मेरे कुलचे सॉरी छोले, बार बार मुंह से कुलचे निकल रहा है। चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ, मेरा ट्राईपॉड गया है, अभी मैं ला नहीं सकती। तो देखिए खीरा हम इसमें अलग इसमें भी डाल सकते हैं और अलग से भी। देखिए खीरा इसमें डाल भी सकते हैं और अलग से भी खा सकते हैं। पहले छोले खा के देख सकते, देखिए गरम, बहुत ज्यादा गरम। एक बार खाना शुरू करोगे ना रुकोगे नहीं। बाहर से भी बहुत टेस्टी है, ये तो बाहर के पसंद ही नहीं है। चलिए भाई हमारी प्लेट लग चुकी है, बस घी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ज्यादा नहीं। चलिए अब मैं लेके चलती हूँ अपने बेटे के पास, देखो कैसे बोलता है। भाई खा के बता जल्दी से, अच्छा खाएगा जब ही तो तमीज से, तमीज के साथ दे रहे हैं ना, अभी पागल हो रही है ये खाने के लिए। अभी मेरा बच्चा बताएगा पहले खा के। हाँ, वही तो है। लाडला मेरा लाडला बेटा, मेरे तीनों मेरे लाडले बेटे हैं। हाँ बाबू ऐसे करके बताना, ऊपर को मुंडी करके, ऐसे प्यार से, प्यार से मेरा बेटा ऊपर को मुंह करके बताओ। तू बताइए उसने भी बताया ना, प्याज इसमें डाल दी ना बहुत सारी, प्याज खत्म। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है फ्रेंड्स, जब ये मेरी बेटी सामने फेस करके बोलेगी, चलिए आप भी देखिए। दो बाइट खा के बता, बाहर से अच्छे लगते हैं नहीं वैसे ये बता, है ना? बाहर के बिल्कुल बेकार लगते हैं मुझे तो, पता नहीं क्या अजीब अजीब से लगते हैं। और वो इतने तो वो देगा नहीं, 60 रुपये में देगा इतने तो छोले, है ना? 30 रुपये में थोड़ा सी देता है ना। अच्छे हैं, इधर क्यों करके मेरा बच्चा इतने धीरे से है? अच्छे से बोल। अब वो खा रहा है आराम से, वो खाने मस्त भाई, अच्छे हैं, मुंह से आवाज भी नहीं आ रही, अच्छे हैं। और कृष्णा कन्हैया को देखो,
मुझे मना किया डॉक्टर ने, तो मैं एक ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं रोटी खाऊंगी, मैं खाऊंगी रोटी से। आ गया। हेलो, क्या खाएगा? कुलचे खा के बताइए कैसे लगे तू। ठीक है चल डाल नहीं खा ले बैठ गया, फिर मैं एक एक करके भून लेके जाएगा। चलो भाई ये भी आ गया मोंटी। अरे तू खा ले यहाँ बैठ के, अब एक एक करके कौन लेके जाएगा। नहीं आ रहा अभी, पहले ये लोग खा रहे हैं तो पहले मैं इनको खिला रही हूँ, पहले मैं इनको खिला लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है। हाँ दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। अब ये हो गए पागल खाने के पीछे एकदम। और देखिए रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पता नहीं क्या बनवाएंगे, ये ऐसी मेरी रील बनाते हैं, बनाती रहती हूँ। चलो कोई नहीं, बाहर से अच्छा है ना बच्चे घर में खाएं। हाँ दे रही हूँ दे रही हूँ, मैं खीरे से काम चला रही हूँ। ये कच्चा पहन का तो मुझे वो लगाना पड़ा था, इसमें मेरे नसीब में ये ऐसे होता है, लेडीज होती है ना सब लोग खा लेंगे, उसके बाद उनका नंबर आता है। और मोस्टली सभी घरों में ऐसे होता है, पहले बच्चे पति खा ले उसके बाद खाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले नहीं खा सकती, लेकिन अब वो लोग खा रहे हैं तो पहले उन्हें बना के देना है।